नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 100 न्यूज, साथ मैं हूं आपके सिखा राय। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कानपुर में सावन के आखिरी सोमवार को सुबह से ही लोगों की भीड़ मंदिरों और शिवालयों की ओर निकल पड़ी। जहां लोगों ने गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, तो वहीं गंगा किनारे स्वारिजेश्वर मंदिर में लोगों ने भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर आराधना भी की। तो आपको बता दें कि यह मंदिर आजादी से भी जुड़ा बताया जाता है। लोगों का कहना है कि जब देश आजाद हुआ था तब से इस मंदिर का नाम स्वराजेश्वर रखा गया था। और इस मंदिर में नाना राव आपके द्वारा लोगों को हम ये बताना चाहते थे, जिसे आपने अभी पूछा स्वराजेश्वर मंदिर, ये स्वराजेश्वर मंदिर आज आप इसको कहते हैं स्वराजेश्वर मंदिर, लेकिन हम इसको हरदेव मंदिर कहते हैं, हरदेव घाट कहते हैं, हरदेव मंदिर कहते हैं। ये 1700 के आसपास, ये सन 1700 के आसपास हरदेव नामक मल्लाह ने सत्ती चौरा गांव से हटके एक मंदिर का निर्माण कराया, शंकर भगवान जी का मंदिर। तो वो मंदिर के आप स्वराजेश्वर इस समय लोग उसका नाम कहते हैं, पहले में हरदेव घाट था। जब अंग्रेज़ों का यहाँ कत्ले आम हुआ 27 जून 1857, अंग्रेज़ों का यहाँ कत्ले आम हुआ, केवल मात्र अंग्रेज़ मारे गए। तब अगर इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने पुनः जब मतलब अपन फौज भाषा इकट्ठा करके क्रांतिकारियों को दबाया, अपना साम्राज्य बनाया, तो यहाँ सत्ती चौरा गांव में इन लोगों ने काफ़ी अत्याचार किया। 27 जून 1857 के इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु तोड़ नहीं पाए क्योंकि बहुत पुराना बना था, बहुत पुरानी। Thank you.